Assalamualaikum students, I'm your math teacher Tanzila Amber from Four Public School. Today we are going to start our lecture 9 in which we will discuss exercise 1.2 question 2. It is the last question of this exercise. I hope you understand the remaining questions of exercise 1.2 and you have done your homework. In this question it is not given that how can we solve it, either by factorization, by complete square, by quadratic formula, and ये किसी कोई type भी नहीं है. ठीक है, अगर हमने इससे पहले अगर किए, अगर आप compare करना चाहें type 1, 2, 3, 4, so in type 1 is as you can see that it is a x power 4 plus b x square plus c, लेकिन यहाँ x power 4 है, 2x cube है, minus 2x square है, 2x भी है. टाइप वन में पावर 4 और पावर 2 है सिर्फ, यहाँ क्यूब और लीनियर इक्वेशन भी. इन टाइप टू वी हैव इन्वॉल्व रेसिप्रोकल, ए इंटू पी ऑफ एक्स प्लस बी बाई पॉलिनॉमियल इज इक्वल्स टू सी. यहाँ कोई रेसिप्रोकल भी नहीं है, तो टाइप टू भी नहीं है. टाइप थ्री आपके पास क्या है, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस सी. अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये टाइप थ्री में भी नहीं आता. टाइप फोर आपके पास एक्सपोनेंशियल है. ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल भी नहीं, एक्सपोनेंशियल वो होता है कि 2 पावर x. ठीक है, टाइप फाइव में आपके पास प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस था और इक्वल्स टू कांस्टेंट था, तो ये आपके पास उस टाइप में से भी सॉल्व नहीं होता. नाउ इट्स अप टू यू, हाउ कैन यू सॉल्व इट. ठीक है, हम आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अच्छा बच्चे, बुक में मिस्टेक है क्वेश्चन में. अगर आप यहाँ क्वेश्चन देखें, यहाँ गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो. इस तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, इसमें मिस्टेक है, तो करेक्शन कर लें. ये है एक्स पावर 4 माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो. हाउ कैन वी सॉल्व इट, हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व. हम क्या करेंगे, जो आपके पास इवन पावर्स हैं और कांस्टेंट, इनको एक साथ कर लेंगे, एंड जो ऑड पावर्स हैं इनको एक साथ कर लेंगे, जो वेरिएबल की ऑड पावर्स हैं. ठीक है, अगर आप यहाँ देखें, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वन होल स्क्वायर माइनस टू. अगर इसमें से मैं माइनस टू एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिया तो माइनस वन इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, अब देखें ये ए होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो. होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन ये टू टाइम्स है, माइनस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, अगर हम इसमें कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर माइनस वन, पीछे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, अगेन बाय इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स, इसको लिख लेते हैं ज़ीरो. बाय ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी आइदर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस वन. नाउ टू सॉल्व दिस फैक्टराइजेशन से ये नहीं हो सकता, वन वन ज़ार वन एंड वन प्लस वन इज टू, बट यहाँ से क्या हो जाएगा, वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन एंड वन माइनस वन इज ज़ीरो, तो कोई और फैक्टर तो इसका बनता नहीं है. कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना चाहो या क्वाड्रेटिक फार्मूला, इट्स अप टू यू. दिस टाइम डू इट विथ क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्या करेंगे, कंपेयर विथ, अच्छा इसके कितने रूट्स आएंगे, चूँकि एक्स पावर फोर है तो इसके फोर रूट्स आने चाहिए, टू रूट्स आ गए, बाकी टू रूट्स हम अभी निकालेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो ए क्या है वन, बी इक्वल्स टू माइनस टू, सी इज इक्वल्स टू माइनस वन. यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, याद है, यस, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए. नाउ पुट, अच्छा माइनस बी तो माइनस बी की वैल्यू माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट बी माइनस टू होल स्क्वायर माइनस फोर. ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ए वन है, बी सी माइनस वन. ठीक है,
ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू माइनस 1, स्क्वायर रूट पूरा डालना है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 होल स्क्वायर होता है 4, माइनस माइनस प्लस 2, तो 4 वन 4 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 बाई 2। 8 किसी भी नंबर का, 8 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 8 किसके इक्वल होता है, 4 टू जार 8। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो ये 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 बाय 2। अब अबव से हम 2 कॉमन ले लें न्यूमरेटर में, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस ये 2 कॉमन निकल गया, प्लस माइनस सॉरी अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। x की वैल्यू प्लस माइनस 1, x की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो कितनी वैल्यूस आ गई, कितने रूट्स आ गए, 4 रूट्स, क्योंकि x की पावर क्या थी, 4। जितनी x की पावर होगी, हाईएस्ट पावर जो होती है, उतनी ही रूट्स आते हैं। सो प्लस माइनस 1 एंड 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेजन। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एंड एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड लेक्चर 9। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन वेरी वेरी वेल, एंड थैंक यू फॉर टुडे।